लेकिन वो है कौन और ऐसा क्यों कर रही है? ये तो तब पता चलेगा जब वो गिरफ्तार हो। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुंबई चली जाए। जी हाँ, जो इंस्पेक्टर साहब ये ठीक कह रहे हैं, आप प्लीज हमारे बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ लीजिए ना। देखिए, वो यहाँ से भाग नहीं सकती, इट्स ए गारंटी। और दूसरी बात ये कि हमने चारों तरफ सख्त पहरा बिठा रखा है। आपने उसे कहाँ देखा? रेलवे स्टेशन के सामने एक गार्डन है, वो वहाँ बैठी हुई थी। अजीब औरत है, बच्चा भूख से रो रहा था और वो है कि जाने क्या क्या कहकर उसको बहला रही थी। मुझे शक हुआ और मैं उसके पास गई, उसे डरा धमका कर सारी सच्चाई मालूम की और वो तो इतना डर गई कि मुझे पैसे देने को राजी हो गई। पर मैंने भी साफ इनकार कर दिया और सीधा आपके पास चली आई। ठीक किया ना मैंने? हाँ। अजीब बात है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि एक किडनैपर पैसा लेने के बजाय पैसा दे रहा है। यही तो मैं भी सोच रही हूं। बच्चे को चोरी करने के पीछे उसका जरूर कोई ना कोई मकसद है। और दूसरी बात यह है कि जो वो यहां से मुंबई जा रही है उसकी भी कोई ठोस वजह होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लीजिए, इससे पहले कि वो यहां से भाग जाए, प्लीज। नो, डोंट वरी, शी विल बी अरेस्टेड। अम्मी, टिकट कंफर्म हो गया, कल शाम को मैं आ रही हूँ। चलो अच्छा हुआ टिकट कंफर्म हो गया, मैं बहुत परेशान थी। अम्मी, मुझसे गलती हो गई। गलती? क्यों? क्या तुम्हें किसी ने पहचान लिया? नहीं, दरअसल आपने जो कंगन पहनाए थे ना, वो मुझे बेचने पड़े क्योंकि टिकट के लिए पैसे चाहिए थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हालात ही कुछ ऐसे थे कि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रहा। देखो, किसी की जान से बढ़कर तो ये कंगन नहीं है। तुम इस बात को दिल पर मत लो, कंगन दोबारा भी बन जाएंगे। बस तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ। जी। ट्रेन का टाइम हो गया है, चलो। आपको तो कुछ फिक्र ही नहीं है, यहाँ मेरा बच्चा खो गया है और आप यहाँ चैन से सो रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं सो रहा हूँ। और नहीं तो क्या? यहाँ मेरी जान पर बनाइए कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ओह कम ऑन, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा है। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं, क्यों हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो? अरे बाबा, मैंने जितनी कोशिश करनी थी, जो जो कर सकता था वो किया। अब जो कुछ करना है पुलिस को करना है। मैं पुलिस के सामने इतना गिड़गिड़ा रही थी और आप खामोश बैठे थे, सिर्फ इतना कहा कि जल्दी कुछ कीजिए। अरे बाबा, मैं खामोश इसलिए बैठा था कि तुम बोल रही थी। अगर हम दोनों साथ में बोलते तो इंस्पेक्टर की कुछ समझ में आता क्या? बहाना मत बनाइए। मैं बहाना बना रहा हूँ? खैर, आपकी वो पाकिस्तानी कजन कहाँ गई? उस दिन तो बड़ा प्यार जता रही थी, फिर आई क्यों नहीं? अरे वो किसी काम से आई थी।
हो सकता है उसे टाइम ना मिला हो। उसे टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन आप तो उससे मिलने गए थे ना। तो क्या गलती की? गलती नहीं, छुपाया। क्या? यही कि उससे क्या बातें हुई और उसने क्या कहा। अरे बस उससे मिलने गया था, सलाम दुआ कहकर आ गया। कोई खास बात होती तो तुम्हें बता देना। अब छोड़ो इन बातों को। क्यों, बुरा लग रहा है? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, हकीकत बता रही हूँ। कौन सी हकीकत? तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे मालूम है कि वो औरत तुम्हारी बहन नहीं है। क्या रिश्ता है आपका उससे, मुझे बताइए। मुझे उससे मिलना है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे बाबा मेरा यकीन करो, वो यहाँ से जा चुकी है। फिर झूठ। देखो अगर एक लफ्ज और कहा तो ठीक नहीं होगा। इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी हदों को पार करो। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं दे, बल्कि तुम्हें तुम्हारी इस हरकत का अंजाम बता रहा हूं। धमकी, धमकी तो कमजोर लोग देते हैं, समझी? मैं उसका पता लगाऊंगी। मुझे उस पर शक है, मुझे उस पर शक है। अक्षय जी, एक मिनट। मुझे कुछ पूछताछ करनी है आपसे। मुझसे? नाम क्या आपका? जहारा। जहारा, कहाँ जा रही हैं आप? मुंबई। मुंबई, ये बच्चा किसका है? मेरा। आपका? और आपके शौहर कहाँ है? मैं बेवा हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी। इस बच्चे की उम्र क्या होगी? एक साल का। ठीक है, जा सकती हैं आप। एक मिनट, एक मिनट। बस आखिरी सवाल, आप क्या पूछ रहे हैं आपको? इस बच्चे का नाम क्या है? मुन्ना, देखो अंकल बुला रहे। इसने इसका देखा ही नहीं। अब बच्चों का क्या है, कभी हमारी बात सुनते हैं, कभी नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज, वेरी गुड। देखिए आपको मेरे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन, अंडरस्टैंड? वो क्यों? ये सारी बातें मैं आपको वहीं समझाऊंगा। देखिए इंस्पेक्टर, अब थोड़ी देर रह गए हैं, मेरी ट्रेन छूट जाएगी और मेरे मम्मा पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए जब तक कि मेरी पूछताछ नहीं हो जाती है मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखिए आप कुछ भी कहिए लेकिन मैं आपकी बात मानने वाला नहीं हूँ, समझ गई? और मैं आपकी वजह से कानून ही चेंज कर सकता हूँ, आपको तो मेरे साथ चलना ही होगा। कुछ भी करके मुझे जाने दीजिए, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है मम्मा। आप अपना टाइम जाया कर रही हैं, इस तरह बोलने से कुछ ही होने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि आपने क्राइम किया हुआ है। हवलदार, इनको साथ ले जाओ। चलिए।
सर पता नहीं कहाँ चले गए, लगता है ओलंपिक में दौड़ने वाली है। और शाना फॉलो मी। ठीक है सर। बढ़िया मुन्ना, 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 यू आर अंडर अरेस्ट। जी कहाँ है मेरा बच्चा? एक मिनट, बच्चे को यहाँ लाना। मेरा बच्चा यही आपका बच्चा है? यही हमारा बच्चा है। अच्छा अच्छा, क्या आपने इस औरत को गिरफ्तार किया? जी। कहाँ है वो? लॉकअप पे है। आइए आप लोग उसे मिलाते हैं। आइए आइए। सुनिए, बच्चे के वालिदैन तुमसे मिलना चाहते हैं। भाभी जान, इतने बरसों के बाद हम मिले हैं। भाईजान हमें इतनी जल्दी पहचानेंगे कैसे, है ना भाईजान? तो तुम हो? मुझे तो पहले से ही तुम पर शक था। तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर ही हरकत की है। नहीं, मुझे भी साहब इसमें शामिल नहीं थे। तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जान चुकी हूं कि तुम्हारा मकसद क्या था। औरत होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक चोर हो। अगर औरत होती तो एक बच्चे को उसकी मां से कभी जुदा नहीं करती। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़िएगा मत। ऐसे ही लोग बच्चे चोरी करते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं या उन्हें बेच देते हैं। आप इसका जुर्म माफ ना कीजिएगा।
चलिए। हकीकत सामने, देख ली अपनी बहन की सच्चाई। उस दिन मैंने उसके बारे में जरा सा क्या पूछ लिया, आप मुझ पे चिल्लाने लगे जैसे कि मैंने कोई गुनाह किया हो, मेरी बोलती बंद करवा दी। अब आपकी जुबान क्यों बंद है, कुछ कहते क्यों नहीं? मेरा शक यकीन में बदल गया है, मुझे पता है कि वो आपकी बहन नहीं है। बताइए क्या रिश्ता है आपका उससे? गजला, क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ आदमी लगता हूँ कि एक औरत को अपनी बहन बोलकर उससे गलत रिश्ता रखूं? बहन तो वो मेरी नजर में है, आप तो उसे। चुप हो जाओ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आज आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं, वो मेरी बदौलत है। मैं आपकी जिंदगी में ना आई होती और मेरे अब्बू की दौलत ना मिली होती तो आज किसी दफ्तर में किसी बॉस की गुलामी करते, ये ऐशो आराम जिंदगी भर नसीब नहीं होता। जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं किसी लायक नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं समझती थी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। गजला, तुम्हारे अच्छा कहने या ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उस औरत से क्या रिश्ता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वो मेरे बच्चे को मुंबई क्यों ले जाना चाहती थी। और मुझे मालूम है कि आपको ये सब पता है। मुझे इन सब बातों का जवाब चाहिए या तलाक, और वो भी कल सुबह तक। गजला, मुझे इन सब बातों का जवाब चाहिए या तलाक और वो भी कल सुबह तक। हेलो, सफदरजंग रोड पुलिस स्टेशन, मैं मुजीब खान बोल रहा हूँ। देखिए, हमें अबीर के खिलाफ कुछ नहीं करना है, प्लीज आप उसको जाने दें। शुक्रिया। अगर सच बता दूंगा तो क्या गजला मुझे माफ कर देगी? और अगर कहीं सच नहीं बताया तो गुस्से में आकर कहीं तलाक की शर्त को पूरा न करते। उसका मिजाज ही कुछ ऐसा है, वो गुस्से में आकर कोई भी कदम उठा सकती है। क्या करना, क्या कुछ समझ में आ रहा? वहां मेरे लो बच्चे जिंदगी और मौत के दरमियान झूठ रहा है, और यहां मेरी खुद की जिंदगी बर्बादी के मार्ग पर। क्या कर, अगर नहीं करूंगा तो मुझे तलाक दे देगी, और हो सकता है शायद सच कहने पर वो मुझे माफ कर दे।